एज अ मॉम भी अगर आप देखें आप जो अपने पहले बच्चे से सीखते हैं क्या वही चीज आप अपने दूसरे बच्चे से सीखती हैं हमें खुद ही समझ नहीं आ रही कि अपने बच्चे को समझना कैसे है लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं बट आर नॉट इमोशनली स्टेबल उनको पता ही नहीं होता कि मैं किस इमोशन से गुजर रहा हूँ मुझे किस इमोशन को कैसे हैंडल करना है सबसे बड़ा फैक्टर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है हम बहुत करते हैं भाई के लिए बोटी रख दो गर्म रोटी डाल दो भाई के लिए जो हम बात करते हैं क्वालिटी टाइम उस क्वालिटी टाइम में भी आप उसकी सुन रहे हैं या अपनी सुनवा रहे हैं अपनी औलाद है अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम नेगेटिव कॉमेंट्स भी ना दें जो मैंने लेसन लर्न किए फेलियर से दे आर मोर पावरफुल देन द सक्सेस शेर मगरमच्छ और उकाब शिकारी तो तीनों ही हैं लाजवाब एक जंगल का बादशाह कहलाता है तो दूसरा दरियाओं में पाया जाता है और तीसरा पहाड़ों में घर बनाता है ताकतें तो तीनों ही की हैं कमाल लेकिन मेरा कुछ और है सवाल मुकाबला हो अगर दौड़ का तो जीतेगा कौन लगे तैरने तो हारेगा कौन भरनी हो उड़ान तो मारेगा कौन मैदान जीतेगा तो बस एक ही अगर एक हो इम्तिहान मगर क्यों करें शेर का तैरने पर इम्तिहान क्या मगरमच्छ भी कभी भर सकता है उड़ान और उकाब उकाब कैसे मारेगा दौड़ का मैदान लेकिन फिर कैसे है ना हम इंसान लेते हैं सारे बच्चों का एक ही मैार पे इम्तहान असलम एवरी वन वेलकम टू कास्ट। आपको मेरी नजम से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हमारे आज के पॉडकास्ट का क्या टॉपिक है वेल यू गैस इट राइट नो टू किड्स आर इक्वल हमें इस बात को समझना होगा कि हर बच्चा मुनफरद और यूनिक है और आज इसी पे बात करने के लिए वी हैव दुरिया हसन टुडे दुरिया इज़ अ टीचर एट अ वेल रिप्यूटेड स्कूल

बिल्कुल ऐसे ही बात है जब आपने मुझे इस पॉडकास्ट का बताया ना दैट टाइम आई वाज हैविंग लंच और जो है मुझे बहुत शौक हो गया है प्लांटिंग का तो मैं खाना खाते हुए इसको साथ देख रही थी और मुझे एकदम ख्याल आया आई वॉज वेटिंग सिंस लॉन्ग कि ये दो पत्ते हैं ये तीसरा कब निकलेगा और जब ना बहुत अरसे बाद में से पानी देती रही मैंने इसको सनलाइट में रखा बहुत वेट किया और उसके बाद ये छोटा वाला आप देख रहे हैं कि हाँ। <laughs> अलग निकल रहा है हाँ <laughs> जब आपने मुझे इनवाइट किया तो मैंने सोचा ये इट्स लाइक दैट कि नो टू किड्स आर इक्वल हर बच्चे की अपनी प्लेस है क्या चाहिए उसे एक कंडीज इन्वायरमेंट जो कि हम एज अ प्लांट भी किसी को अगर देते हैं हम इसको सॉइल प्रोवाइड करें हम इसको प्रॉपर प्लेस पे सनलाइट प्रोवाइड करें लेकिन ये अपनी ही डायरेक्शन में निकल रहा है ठीक है एज फार एज इट इज़ ग्रोइंग डज इट हैज़ एनी प्रॉब्लम नो ये मेरा पॉइंट है कि एज़ फार एज़ द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग हमें उस पर फोकस करना है ना कि उसको अपनी तरफ अगर मैं इस लीफ को चाहूँ कि ये यहाँ से निकले और इसको मोड़ना चाहूँ जस्ट लाइक आई एम श्योर यमना आपके तीन बच्चे हैं मेरे दो बच्चे हैं और हम लोगों के घर का माहौल बच्चों के पैदाइश के बाद चेंज नहीं होता हमारे एक ही वैल्यूज रहते हैं एक ही माहौल रहता है बट माई एल्डर वन इज

हम सब एक जैसा सोचते हैं हम सब एक जैसा काम करते हैं सबको एक ही काम करना होता <laughs> सब एक जैसा सब सोचते जगह जाना होता। तो क्या हमारा जो है वो सोसाइटी का हाल होता है या क्या होता है यही चीज़ अल्लाह ताला ने हम सब में मुनफरद रखी है जैसे अल्लाह ताला ने रूम में भी कहा है कि मैंने तुम्हें डाइवर्सिटी में पैदा किया है डिफरेंट जबानों में कलर में और मुझे यही लगता है कि हर बच्चा इतना मुनफरद है दैट मेक्स आर लाइफ ऑल्सो ब्यूटिफुल

उसमें यह होता है कि हम हर वक्त अपने बच्चों से सीख रहे होते हैं यूजली ये होता है ना कि बड़े बच्चों को सिखा रहे होते हैं बट रिकर्सिव नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये है कि इट गोज़ बैकवर्ड दैट द चाइल्ड इज़ शेपिंग द पेरेंट द चाइल्ड इज़ टीचिंग द पेरेंट और देखो हर बच्चा फ़र्क इसलिए भी होता है कि जो इन्वायरमेंट और जिस कंडीशन में हम एज़ पेरेंट्स पहले बच्चे की दफ़ा में होते हैं वो हम दूसरे की दफ़ा में नहीं होते तो जो पर्सनालिटी मेरी पहली औलाद के टाइम पे थी वो मेरी दूसरी औलाद के टाइम पे मेरी पर्सनालिटी भी वैसी नहीं है सो रिसर्च से आप अपने औलादों में भी

को समझते तो हम बाद में लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो देर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ किड्स दैट वी हैव एक होते हैं हम उनको डिवाइड इस तरीके से करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनके बिहेवियर्स के थ्रू सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें कि जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं जैसे कुछ बच्चों की आपने देखा होगा कुछ बच्चों को आप बात करते हैं तो समझ में आ जाती है hmm. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे बच्चों को ऑडिटरी लर्नर्स कहा जाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब तक आप कोई एग्जाम्पल देके नहीं समझाते या उनको कोई विजुअल चीज़ दिखा दे के, दे के नहीं समझाते या आपने कोई स्टोरी चलानी है तो वो आपने कोई टीवी पे लगाई या कोई किसी भी विजुअल उनको दी uh, असिस्टेंस uh, दी तो ऐसे बच्चों को विजुअल लर्नर्स कहा जाता है और फिर कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो कि हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं यानी ये जिस तरह आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं ना वो जो हमारे पास नाइन्थ क्लास में जाके आते हैं प्रैक्टिकल्स दीज शुड बी स्टार्टेड बिफोर यानी जब आपका बच्चा बिल्कुल टॉडलर्स में मोन्टेसरी में उसका एडमिशन होता है तब ही इसी वजह से हमारे जो है वो लर्निंग पैटर्नस भी चेंज हो रहे हैं क्योंकि हम समझते जा रहे हैं बाय द टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा फिर हम अगर आए अकेडमिक एबिलिटीज़ के को लेकर ये सबसे बड़ा इशू है हमारा सबसे बड़ा इशू है मुझे लगता है हम माओ का हम माँ बाप का कि हम लोग जो है वो अगर हमारा एक बच्चा मैथ्स में चैम्पियन है तो दूसरे बच्चे को हमने चैम्पियन बनाना ही बनाना है मैथ्स में ये नहीं देखना कि क्या पता उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज इज्जत आ जाता है ऐसे ये <laughs> पेरेंट्स की इज्ज़त का मसला आ जाता है हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है आ, हर यू नो वी कैन नॉट कंपेयर अ चाइल्ड टू द अदर हम आ, मवाजना नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चा अलग है उसका अलग मेंटल प्रोसेस है अलग सोचने का तरीका है और ये हमें एज पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है समझना क्योंकि हम ये अपनी इज़्ज़त और अना का मसला बना लेते हैं कि अगर हमारे बच्चे की 98 परसेंट नहीं आई मैथ में तो हमारी खानदान में जमाने में इसकी इतनी परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास आ, मैं गई अपने बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए और वहाँ पे हुआ ये कि उस असेसमेंट वाले पीरियड में जो मेरी छोटी बेटी उनकी आई थोड़ी कम परसेंटेज अब मैंने उनको मुझे पता चल गया था वो किस सब्जेक्ट में और क्यों कम उनकी परसेंटेज आई है सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट देयर और मैं टीचर से पूछ रही थी कि अच्छा और आप बताएं इनकी जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर कैसी चल रही है इनका बिहेवियर कैसा है क्लास में उन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया लेकिन आखिर में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि नहीं है वो इसी वजह कि इन ओ और वो बिल्कुल साइलेंट हो गई थोड़ी देर में कहती हैं कि आपने मुझसे बहस नहीं की कि इस बच्ची की इसमें कम कम नंबर्स क्यों आए हैं और आ, ये इसकी इतनी कम परसेंटेज क्यों आई है मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है क्यों आई है और वी है वर्कड ओवर इट और उस पर मेरा यहाँ पे बहस करके या आपसे जो है वो लड़कर उससे उसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा उल्टा आप भी प्रेशराइज होंगी और शायद आप प्रेशर उस प्रेशर में कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा गलत कर जाएं और शायद मेरा बच्चा भी बहुत उससे लो से, सेल्फ स्टीम का शिकार हो सकता है तो जब एक प्रॉब्लम का मुझे पता चल गया है तो लेट मी वर्क ओवर इट फर्स्ट एंड देन, देन वील टॉक अबाउट इट तो शी वॉज लाइक कि यहाँ पे भी एक बच्ची जो सेकेंड आई है ना

ये लाइन जो है है ना मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि हम में से किसी को भी अल्लाह ताला ने विदाउट पर्पस पैदा नहीं किया तो हम अपने बच्चे को कैसे लेबल कर सकते हैं कि अगर इसके मैथ में अच्छे नहीं आए या इस जगह पे अच्छे नहीं आए या यहाँ परफॉर्म नहीं करा जहाँ हम चाहते हैं बेसिकली हम ना मुझे ये लगता है समटाइम पेरेंट्स वो रिलिव देर हाँ yes. 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 अच्छा इसमें हम आते हैं तीसरे टाइप के बच्चों पे जिनका डिफरेंस आ जाता है कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड mm. अब एक क्लास में आप लोग टीचर्स हैं आप लोग इसको बता भी सकेंगे कि क्या होता है कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे होते हैं आपके पास सो so डेफिनेटली आप उन सबको ट्रीट तो सेम नहीं करते हो ना किसी को किसी की कोई एथनिक लिमिटेशन होती है किसी की लैंग्वेज बैरियर होता है किसी का कोई प्रॉब्लम होता है ऐसे हमारे बच्चों में भी यूजली देखा होगा कि अक्सर हम लोग एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारा फ़ला जगह पैदा हुआ था तो इसमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये हमारा इस शहर में आगे पैदा हुआ है तो ये ना ये इसको ठंड बहुत लगती है ये सारी ये भी मिथ्स है ना जो हम जोसिएट हाँ, कर लेते हैं जबकि ऑल अबाउट दैट वी एज पेरेंट्स हम बहसीत वालदे हमारा ये बहुत फर्ज बनता है कि हम पहले अंडरस्टैंड करें कि कहीं कहीं मसला हमारे साथ भी है हम सबसे पहले ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे, ऐसे हो लेकिन असल मसला शुरू इधर से ही होता है और <laughs> तो मुझे लगता है ये ना पेरेंट्स और टीचर्स की ना साइड बाय साइड स्ट्रगल है

कि सबसे पहले कंपटीशन लुक्स पे शुरू हो जाता है जब आपका फर्स्ट बॉर्न हुआ था तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सुनने को मिला होगा मिला। चाहे आ, वो कितना ही बच्चा क्यों ना हो लेकिन उसमें कहीं कही ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ आपको एक लुकमा जरूर दिया होगा बिल्कुल मैं, मैं ना तो पहला कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला ना वो यही कि माशाल्लाह इतना प्यारा है तुम पे तो गया ही नहीं यू यू बहुत <laughs> डार्क पहला कॉम्प्लीमेंट सो आई सेड कि हाँ डॉक्टर पे गया डॉक्टर वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एग्जैक्टली तो वो यही होता है कि कंपेरिजन इतनी अर्ली एज से शुरू हो जाते हैं कि हम एज पेरेंट्स भी इसको शायद एक फिक्सड माइंड के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को आगे अगर आप बढ़ें आ, आ, फिजिकल अपरेंस के अलावा अगर आप देखें तो फिर सब ग्रेड्स पे शुरू हो जाता है आ, बेहेवरेल, बेहेवरेल, आ, अब आपके वो भी होती हैं एस्पेक्ट्स बच्चे के जिसपे आप जज कर रहे होते हैं बच्चे को अब बिहेवियर में क्या आ जाता है तुम तो लोग सबसे ज्यादा इससे रिलेट कर पाओगे कि कोई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं दे आर बिल्ट इन लाइक दैट

जो आप इमोशनल हेल्थ के इश्यूज़ जिनको होते हैं क्योंकि अगर आपने उनको इनसेंसिटिवली एड्रेस कर लिया ना तो वो आगे जाके बच्चों की पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एंड आई हैव एन एग्जांपल आई नो अ फैमिली के उनकी एक बच्ची जो है वो ऑटिस्टिक uh, थी सो पेरेंट्स मोस्टली उसी बच्ची में लगे होते हैं विच इजन की ऑब्वियसली एक बच्चा hmm. ज्यादा नीड hmm. है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है

बनाए और रादर देन कंट्रोलिंग them मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है uh, एक स्टूडेंट था एक्चुअली ही राइट विद लेफ्ट अब इसमें क्या बुरा है कि अगर कोई बच्चा uh, उसकी नेचुरल केपेबिलिटी है कि वो लेफ्ट ही है लेकिन एक्चुअली उसको ये प्रेशराइज uh, किया गया कि उल्टे हाथ से नहीं लिखना एंड मूव टूव द राइट हैंड राइट हैंड से लिखना है अब इसमें पेरेंट्स का इतना हाथ नहीं था जितना कि दूसरे घर वालों का था तो खैर दे स्विच टू द राइट हैंड लेकिन फिर उसके बाद अल्टीमेट रिज़ल्ट ये आया कि वो किसी तरह भी सही लिख नहीं पा रहा था इतना एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है इवन अगर बच्चा जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं भी हो तो वो हो जाता है एंड ही वॉज अ सेवन ईयर ओल्ड चाइल्ड लेकिन वो सेल्फ हार्म तक आ गया कैन यू इमेजिन इतने एडवर्स इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं तो कहीं कहीं यमुना हमें बाउंड्रीज अपनी भी जो है ना सेट करनी चाहिए कि कहाँ तक हम किसे अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस का राइट right दे रहे हैं ठीक है फर्स्ट राइट तो पेरेंट्स का होगा एंड आई एम नॉट एट ऑल डिनाइंग कि घर वालों का कोई राइट right नहीं है वी चेरिश दैट सिस्टम जो हमारा है ना फैमिली सिस्टम उससे बच्चे बहुत सीखते हैं लेकिन देर शुड बी बाउंड्रीज और हमें खुद भी जो है ना कुछ चीज़ों को लर्न करना चाहिए कि

ये एग्री करते हैं इस बात को कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड इट डज़ बिकॉज आपके लिए ये दादा दादी वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते बच्चे को सोशल स्किल्स उसकी वहाँ से डेवलप होती हैं उसकी मैनरिज्म वहाँ से डेवलप होते हैं कि वो किस तरीके से बड़ों से इंटरेक्ट करेगा बाहर जाके बड़ों के सामने बैठेगा कैसे ये सब चीज़ें वहाँ पर डिवेलप हो रही होती हैं हाँ जहाँ हेल्दी बाउंड्रीज की बात आती है वहाँ पे आपको एक घर में बैठ के लोगों से बात करनी पड़ेगी कि देखें अपेरेंस पे या किसी के चाल चलन पे आप या कलर पे आप इस तरह की कोई कमेंट नहीं कर सकते ये अल्लाह की दीवी चीज़ है और इस पर देखो बुरा क्या लगता है हमें हमें ये बुरा लगता है ना कि चच्चा पप्पी इन्होंने से किसी ने कोई कोई बोल दिया किसी को बोलने बच्चे को डांट दिया बोलने का अंदाज ऐसा होता है यार यहाँ नहीं बोलेगा कोई तो बाहर तो जाएगा ना बच्चा वहाँ तो कोई कुछ बोलेगा रादर देन दैट कि आप उसकी सब चीज़ों को कन्फाइन कर दें और आप अपने हाथ में ले लें सब कुछ और वन मैन आर्मी बन जाएं आप आप वहाँ पे अल्लाह ताला से हिमत की दुआ करें और वाइजली उस सिचुएशन को जो है वो आप टैकल करें आप अपने बच्चे को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दें कि उस वक्त वो अपना उस वक्त वो क्या वो गलत कर रहा था या वो सही कर रहा था सही गलत की पहचान बढ़ाए वहाँ पे ये बात नहीं करें कि उसने गलत कह दिया या फला ने सही कह दिया आप ये उस वक्त, उस वक्त बच्चे को बहुत जरूरी होता है कि गलत और सही की पहचान डिवेलप करना कि किसी ने अगर टोका है तो क्या टोका है पेरेंट आई थिंक आपका ये भी काम है ना कि अगर किसी ने टोक भी दिया हुँ. तो आप है ना यूर देयर टू काउंसिल योर चाइल्ड जैसे आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली और मेरे घर में माशाला बहुत लोग हैं एंड आई नो कि वो जेनुअनली मेरे बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो अगर वो डांट भी देते हैं टोक भी देते हैं और मेरे बच्चे उस पर उलझते हैं तो देन एज अ पेरेंट ये मेरा काम है कि मैं उन्हें अंडरस्टैंड कराऊँ कि वो तुम्हारे भले के लिए बात कर रहे हैं ये कॉन्स्टेंट एक स्ट्रगल है और ये कॉन्स्टेंट एस पेरेंट्स यू नीड टू कीप टेलिंग योर चाइल्ड बच्चों को बार बार बताएंगे तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उनमें वो पेशेंस भी क्रिएट होगा और उनको ये एक्सेप्टेंस भी आएगी कि हाँ जेनुअनली ये लोग मेरा भला चाहते हैं वरना देखो किसी आउटसाइडर को तो आपकी फिक्र नहीं होगी ना वो क्यों टोकेगा वो जैसे आप है, you, उनको गलत और फरियाल सबसे अच्छी बात जो ये है की जो समझा रहा है ना उसके कहने का अंदाज अच्छा होना चाहिए आप अपनी फैमिली में ये बात करें की आप बिल्कुल समझाए लेकिन अंदाज अच्छा हो की बच्चे आपको रिस्पेक्ट करे आपकी वैल्यू हो बात लेकिन यहाँ पर यमुना मैं ये कहना चाहूँगी कि, कि अल्लाह ताला ने हमें अकेले रहने के लिए पैदा नहीं किया नहीं या हमें रहबानियत की तरफ नहीं रगिब किया अल्लाह ताला ने तो हमें सोशल एनिमल ही बनाया ना जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सोशली कनेक्टेड हों और बच्चों को भी इन पॉजिटिव वे अपने खानदान वालों से इवन सोसाइटी से भी कनेक्ट करें ताकि वो बाद में भी अपना पर्पज ऑफ लाइफ जैसे मैं बार बार कहती हूँ आपको क्लियर होना चाहिए कि आप का जिंदगी में मकसद क्या है यू आर देयर टू हेल्प ईच अदर एंड यू यू आर देर टू क्रिएट अ सोसाइटी एंड अ कम्यूनिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में भी इतना पेशेंस हो कि हम दूसरों को एक्सेप्ट कर सकें और अपने बच्चों को भी ये सिखा सके जैसे फरियाल ने कहा ना हर बात पे वी कहना और अ फ्राउनिंग फेस और अलग हो जाए हमें इतना केपेबल उन्हें करना है इतना एम्पावर करना है कि किस बात को फ़िल्टर करना है फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना कि कितना आपको लेना है और कितना दे दे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।, बिल्कुल और यही कैपेबिलिटीज़ तो कि, कि अगर यूर नहीं होंगे उन चीजों से जब हमें खुद ही समझ नहीं आ रही कि अपने बच्चे को समझना कैसे है तो फिर हम तो उसका भला नहीं कर सकते तो यहाँ पे लगती है जैसे पैसेज ऑफ टाइम आपका पहला बच्चा होता है आपकी हेल्थ आपकी इमोशनल हेल्थ है

को कैटर करती है oh, ये बहुत बड़ा फैक्टर है यमुना के एक आ, माँ की और एक बाप की भी मैं इक्वली कहूँगी मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी है इमोशनल स्टेबिलिटी आजकल हम जो माशरे में देखते हैं ना मुझे काफ़ी काफ़ी दफ़ा यही लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल उनको पता ही नहीं होता कि मैं किस इमोशन से गुजर रहा हूँ मुझे किस इमोशन को कैसे हैंडल करना है सो so,

तो ये एक आ, समझ लो हमारी इंस्टिंक्टिव capability है जो हम 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 करते हैं लेकिन पे वो मैं आपको थोड़ा सा कर रही I'm sorry. लेकिन self -worth आप किसी को डिमीन self -worth exactly. वही वही कि हम किसी को करके अपनी नहीं बढ़ा सकते कि उस comparison के चक्कर में ना किसी को लेट डाउन नहीं कर सकते पुट डाउन नहीं कर सकते हुँ. और एक्सेप्टेंस की बात यहाँ पे हो रही थी और मैं अक्सर जब कंपैरिजन की बात होती है वाकई में मेरे दोनों बच्चे बहुत डिफरेंट है और आ, मैं हमेशा ये कहती रहती है कि नहीं भाई मैं कंपेयर नहीं करती कहाँ करती हूँ मैं कंपेयर क्योंकि मैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें उनमें नहीं करती हूँ बाकी मैं कंपेयर बट कहीं ना कहीं हम कर जाते हैं तो जब तक हम अंदर अपने ये एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे कि हम कर रहे हैं और ये थॉट जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना तो एज एज आप कोई इस तरीके की बात करने वाले होंगे ना आप वही पे कॉन्शियस हो जाएंगे और उसी से आप देखेंगे कि सिर्फ ये थॉट दिमाग में आने से कितना चेंज आएगा आपकी लाइफ में और देखो कॉन्शियस पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें इमोशनली स्टेबल मेच्योर एंड इमेचर पेरेंटिंग आ जाती है और मेच्योर पेरेंटिंग यही है कि यू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स अगर मैं हूँ मैंने अगर किसी चीज पे किसी बच्चे को अपने कोई रूल hmm. सेट किया है hmm. तो चाहे वो मेरे तीन बच्चे हैं तीनों किसी और तरह से उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कहा है कि टीवी नहीं खुलेगा ठीक है एक मेरी बेटी है वो क्वाइट है वो अपनी शेल में जाके बैठ जाएगी मुंह बना लेगी मुझसे बात नहीं करेगी दूसरे लड़के हैं वो चीख पुकार हंगामा मचाएंगे तोड़ फोड़ करेंगे बट दैट शुड नॉट अफेक्ट मी इफ आई एम एन इमोशनली स्टेबल पेरेंट इफ आई एम ए मिच्योर पेरेंट तो मेरा रिस्पॉन्स वही होगा कि टी नहीं खुल रहा लेकिन मैं जिस तरह अपनी बड़ी बेटी को समझाऊंगी वो तरीका अलग होगा और जिस तरह मैं हाइपर एक्टिव लड़कों से बात करूंगी वो अलग होगा सो इट्स लाइक कि पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की नेचर को अंडरस्टैंड करें आप अपने रूल्स या प्रिंसिपल्स नहीं चेंज करेंगे आप बच्चों को समझेंगे कि आपने उनको किस लेवल पे आके किस तरह समझाना है कोई इस लेवल पे समझेगा कोई इस लेवल पे समझेगा सो इफ इफ आई टॉक टेक्निकली यहाँ पे तो यू हैव टू चेक फॉर योर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या चीज आपने कांस्टेंट रखनी है बच्चों में और क्या चीज आपकी वेरी कर सकती है सो द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग इज लाइक कॉन्स्टेंट रूल है क्योंकि उसको तो यही होता है होता ना कि हम घबरा जाते हैं हाथ पाओ फूल जाते हैं और फिर हम किसी के लिए इधर कुछ करते हैं दूसरे बच्चे के लिए हम कुछ कर रहे होते हैं है फिर बच्चे कहते हैं उसको तो आपने दे दिया हाँ। मुझे तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो बेचारा शरीफ था वो मारा गया और वो क्योंकि शोर कर रहा था तो आपने कहा अच्छा भाई ले लो सो दिस इज नॉट गुड पेरेंटिंग इसमें आप फिर इस इस तरह फिर डिफरेंसेस क्रिएट होता है बच्चों में भी और फिर उसके बाद पेरेंट्स इसी चीज़ को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर देते टीचर्स के भी सामने वो जो है ना एज ए टीचर अब मैं कहूँगी वो खुद भी यही कहते हैं कि सामने ही बैठ के ना कि ये ऐसा नहीं है जैसा हमारा बड़ा बच्चा <laughs> है उस बेचारे जो है नंगी हाँ। से जान का जो है ना कॉन्फिडेंस वही ख़त्म सेल्फ स्टीम आपने उसकी डिस्ट्रॉय कर दी कंपैरिजन uh, अच्छा इस कंपैरिजन पे मुझे एक स्टोरी अपने बड़े मजे की भी रिसेंट याद आ रही है कंपैरिजन क्या कहूँ या कहूँ सेम एनवायरनमेंट वाली बात कहूँ सो बोथ ऑफ देम वर स्ट्रगलिंग विद ग्रेड्स एंड ऑल तो हम थोड़ा सा जो है वो हम यूजुअली क्योंकि नहीं फोकस करते उस चीज़ पर तो उन लोगों ने बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ दिया दोनों ने तो माई हस्बैंड वॉज गिविंग दिस मोटिवेशनल टॉक टू बोथ ऑफ देम एंड देवर लिसनिंग क्वाइट वेल और वो सब बात हुई तकरीबन आधे घंटे तक खूब जी जी हूँ जी जी हूँ हूँ चलती रही उसका इफेक्ट बड़े वाली ने तो बस एक नॉर्मल इफेक्ट लिया कि जी जी बाबा this, that, और ये वो एंड इट एंडेड यहाँ मैं बराबर में क्या देख रही हूँ छोटी वाली शदीद ओवर मोटिवेटेड और उन्होंने कहा मुझे तो राइडिंग पसंद है अच्छा निकालते हैं एक बेस्ट स्कूल राइडिंग स्कूल यहाँ पर उन्होंने अपना गूगल मैप्स निकाले उसमें अपने एरिया वाइज जो सबसे करीब था उसको सर्च किया अब उसमें जो है उस पे आ गई उन्होंने रिव्यूज देख लिए कि क्या सबसे बेस्ट है और वो निकाल के एक राइडिंग स्कूल मेरे पास आ गया उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास आ गया ये ले मम्मा मैंने सारा काम कर दिया आप बस इनको कॉन्टेक्ट करें और बस आप डन करें <laughs> देखिए यही वाली बात इन टीन About, about, yeah yeah she is in teenage. ये वाला जो है ना वो age ऐसी है कि they would not like to be summoned. वो नहीं yes. नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें कुछ बताएं because they think they are pro. Yeah <laughs> yeah. ठीक है तो that's... वो कभी भी ये तो सुनेंगे नहीं इतने बड़े-बड़े आपके जो है ना चाहे motivation. इस motivation talk के बाद हमने ये realize कर लिया कि इनके साथ इस तरह नहीं चल सकती इनके साथ किसी और के लिए कोई realization है ना दुरियान फरियाल कि हम ये realize करें कि as children grow up they need their own space. उनको एक uh, बिल्कुल. तुम, तुम <laughs> <laughs> बिल्कुल तो ये चीज अगर हम अंडरस्टैंड कर दें तो हमारी फ्लेक्सिबल हो जाए और हम शायद हर बार डंडा ना ले रहे हैं एंड आई वॉज गोइंग अगर हम अर्ली uh, ईयर्स की बात करें शुरू में अगर जो बच्चों का ब्रेन डिवेलप हो रहा होता है उसमें आपका एक हिपो कैंपस इज ब्रेन स्ट्रक्चर जिसमें आपकी लर्निंग एंड मेमोरी डेवलप हो रही होती है तो उस वक्त अगर आपने सही पेरेंटिंग नहीं की उस वक्त अगर बच्चा ट्रामाटाइज है hmm. या यू नो आपके लड़ाई झगड़ों से गुजर रहा है या आपके किसी मेंटल uh, ट्रामा से अगर What आप गुजर रहे हैं टॉकिंग अबाउट अर्ली एज जिसपे ब्रेन डेवलप हो रहा होता है uh, about, you know? ना जब वेन चाइल्ड इज बॉर्न टाइक टिल हाँ उसमें लाइक इट्स लाइक वन मिलियन ब्रेन कनेक्शन उस वक्त डिवेल्प हो रहा हैं जो ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है लेकिन उसमें अगर आपने उसको सही नर्चरिंग नहीं दी हम डिसिप्लिन करने के चक्कर में लग जाते हैं लेकिन जो मोहब्बत और नर्चरिंग उस टाइम रिक्वायर्ड होती है वो अगर नहीं हुई ना तो वो उसका जो लर्निंग और सेंसिटिविटी का और जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी विच इवेंचुअली लीड्स टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी वो सारा उसका जैसे कहते ना हैं ना बर्बाद कर देते हैं इट्स लाइक अ टेक्निकल प्रोसेस कि एक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है आप उसमें क्या डाल रहे हैं जब बच्चा पैदा हुआ है so यार, यार यही तो अवेयरनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझेंगे उनकी डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे उनकी ग्रोथ के प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो हम तो ऐसे ब्लंडर्स मारेंगे फिर और यहाँ मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गए हम लोग कि सबसे बड़ा फैक्टर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है हम बहुत करते हैं इवन अभी तक भाई अभी के लिए बोटी रख दो अनकॉन्शियसली करते हैं गर्म रोटी डाल दो भाई के लिए आया

डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि मैंने अपने माँ बाप को क्या स्ट्रगल्स दिए हैं या मैंने उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को दिए हैं मुझे नहीं याद क्योंकि मैं उनके रोल में ही नहीं थी बट वेन आई एम हेयर एज अ टीन एज पेरेंट तो uh, मैं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही फ़िलहाल एंड आई एम लुकिंग फॉर वेज जहाँ से मैं को सीख सकूं, ऐसा कि मैं उससे कम्युनिकेट कर सकूँ yes, teenage yes, well. exactly. चाहिए होती, है, बहुत नहीं चाहिए नहीं चाहिए होती, होती बच्चों होती को टीन में दे देयर ओन स्पेस एंड अगेन आई कनेक्शन पेरेंट्स का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है जो हम बात करते हैं क्वालिटी टाइम उस क्वालिटी टाइम में भी आप

समझने की बात ये है कि अगर हमने ये रियलाइज नहीं किया कि ईच चाइल्ड इज यूनिक हर बच्चे का अपना एक तरीका है उसकी एक पर्सनैलिटी है उसका एक मिजाज है उसका एक लर्निंग स्टाइल है अगर हमने ये एस पेरेंट्स नहीं आइडेंटिफाई किया तो इवेंचुअली वॉट आर द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो हम देखते हैं? यार बच्चों में सबसे पहली चीज़ तो जो एक एनजाइटी और स्ट्रेस डिवेलप हो जाता है और एन्जाइटी और स्ट्रेस फर्दर जाके उनकी पर्सनालिटी के साथ क्या करता है दैट यू सेट सेल्फ हार्म पे बच्चे चले जाते हैं आप इतनी यंग एज में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार ये सारी चीज़ें प्लस आप फोर्सफुल पेरेंटिंग जब करते हो तो जो बच्चे में एक चीज़ डेवलप होती है वो पीपल प्लीजिंग डेवलप हो जाती है बच्चा झूठ बोलने लगता है, कि, आती है पहले फिर पीपल प्लीजिंग हाँ, आती हाँ, है मतलब एक तरह से वो एक प्लीजिंग

मतलब वो चले जाते हैं उस और एक पेरेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि घर का माहौल अच्छा हो और मोहब्बत हो एक दूसरे दिल्कुल. में वो चली जाती है रिसेंटमेंट में क्योंकि yes. आप अन इंटेंशनली उनको जो है ये मैसेज दे रहे होते हैं कि ही और शी इज बेटर देन यू अब वो आपसे सुन के या सोसाइटी से सुन के वो जो है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब तो कर रहा है एंड अल्टीमेटली दैट चाइल्ड फील्स के ही और शी हैज़ नो वर्थ बिल्कुल अब वो तो ये रियलाइज कर रहा है लेकिन साथ में जो है ना वो रिसेंटमेंट उसने ये नफरत भी पैदा कर दी कि वाई ही इज बेटर ये तो मेरी जगह पे है ना मेरे जैसा ही है माँ बाप भी सेम है फैमिली भी हुँ, सेम हुँ, है इन्वायरमेंट भी सेम है बिल्कुल लेकिन इस जगह पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका अगेन जो है काम जो है ना वो नर्चर करना और एक दूसरे का एक फैमिली जो वेल नेट फैमिली होती है ना उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में आपस में मोहब्बत पैदा करें Than resentment. Resentment. और, और आपको पता है कि ये खाली जो इमोशनल हेल्थ पे जो ये एनजाइटी स्ट्रेस और ये सब चीज़ें बच्चे में आती हैं इससे सिर्फ इमोशनल हेल्थ की ग्रोथ नहीं रुकती इससे आपके बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, है वो भी स्टार्टड हो जाती है और मैं ये सोच रही थी कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते अगर अपनी औलाद है अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम नेगेटिव कमेंट्स भी ना दें बिकॉज आई वाज रीडिंग थ्रू एन आर्टिकल अभी रिसेंटली मेरा पढ़ना हुआ और उसमें ये हुआ कि एक औरत थी उसका एक बच्चा था उसके साथ डिफॉर्मिटी थी लेग्स में बट द पेरेंट्स डिड नॉट लेट द चाइल्ड नो के ही हैड सम डिफॉर्मिटी एंड वो उसी तरह बड़ा हुआ उसने उसको पैरों में दर्द होता था बट द पेरेंट्स डिड नॉट टेल कि तुम्हारी कोई लेग सर्जरी हुई है बचपन में ही वॉज अन अवेयर बट ही जस्ट न्यू दर देअ समथिंग विद माई लेग मुझे दर्द होता yeah. है बट द पेरेंट्स डिड नॉट लेट द चाइल्ड नो कि भाई तुम्हारे पाओं के साथ कोई मसला या तुम्हारी डिफॉर्मिटी है सो इग्नोरेंस वॉज ब्लिस फॉर द चाइल्ड एंड ही वर्क एक्स्ट्रा हार्ड उस बच्चे को जब लगा कि भाई मेरे पैरों में दर्द होता है तो उसने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया जस्ट टू यू नो प्रूव हिमसेल्फ लेकिन अगर पेरेंट्स उसको पहले दिन ही ये बता देते कि तुम्हारी तो टांगे खराब है बेटे तुम्हारी तो डिफॉर्मिटी है तुम्हारी तो सर्जरी हुई हुई है तुम नहीं कर सकते तुम ये मत करो तो आई थिंक द चाइल्ड ने उस बच्चे हाँ। हाँ। को जैसे आइंस्टाइन की मदर जब टीचर से मिली तो उनके टीचर ने कहा था इज होपलेस केस उन्होंने वो लेटर छुपा दिया था और जब बड़े होके पता चला कि टीचर ने तो ये कहा था तो वो उस, हाँ। उस बात से मुझे याद है इग्नोरेंस इज ब्लेस उसकी मदर ने उसे जो है पता ही नहीं चलने दिया कि क्या उसकी टीचर के बारे में हमें पेरेंट्स ही होता है ना कि हम अगर उस पर लेबल उसको पहले ही दिन बता दें कि तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसकी कैपेबिलिटीज तो खत्म हो गई ना फिर तो वो एफर्ट ही नहीं करेगा So, ये वाली है कि चलो अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो फिर है, मुझे मैं यही हूं, के जो सराउंडिंग थे ना वो लोग उसको कितना जो है वो पता नहीं क्या कहते होंगे या इनकरेज करते होंगे लेकिन कितने ट्राइस किए थे उसने सक्सेसफुल होने से पहले लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता है जो मैंने लेसन लर्न किया फेलियर से दे आर मोर पावरफुल देन द सक्सेस क्योंकि आपको याद रह जाता है जैसे यमुना तुमने कहा ना कि कंपेरिजन कैन बी लीथल लीथल मीन्स के वो बच्चे की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है उसकी सेल्फ एस्टीम ज़ीरो हो सकती है अगर पेरेंट्स या रिश्तेदार या सोसाइटी उसे कंपेयर करने लग जाए दूसरे से और उसे ये फीलिंग दे दे कि यू आर लिटिल लेस देन वन और ये शायद हम अपनी सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं कुछ लोग चाहते हुए भी जो है ना वो बात नहीं कर पाते अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते दे हैव दैट के मेरी बात में तो वर्थ Validation ही नहीं मेरी नहीं तो वर्थ वर्थ ही, ही नहीं हाँ। सेल्फ वर्थ उनकी जो है ना वो जीरो हो जाती है और फिर वो पूरी लाइफ सफर करते हैं एंड इट टेक्स अ लॉन्ग जर्नी टू रिकवर यू आर सो राइट कि जो लो सेल्फ एस्टीम इनसिक्योरिटीज भी डेवलप कर देती है आपके अंदर और आप ये अपनी इंस्योरिटी कॉम्प्लेक्स या आपकी इनसिक्योरिटीज दूसरो पे जब इन्फ्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स कितने खराब होते हैं और इवेंचुअली आप भी एक बुरे पेरेंट ही बननेच्योर पेरेंट ही बन रहे होते हैं बिल्कुल नहीं। it's, it's like it's, हमारे यहाँ जो एक आ जाता है ना कि एक नस्ल बढ़ती है आपकी तो वो नस्ल यही तो है कि आपने यहाँ पे अगर उस साइकिल को रोकना है mm -hmm. आपने यहाँ पे अपने आप को रेक्टिफाई करना है ताकि आपकी आगे की नस्लें उसे सफर ना करें बिल्कुल और सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एनालिसिस एज अ पेरेंट बहुत जरूरी है तो दुरिया क्या कर सकते हैं गिव मी वन टिप कि एज पेरेंट्स अगर हमें ये चीज़ें सही करनी है अपने बच्चों के डिफ्रेंसिस को अंडरस्टैंड करना है उसको नर्चर करना है तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड डू एज पेरेंट्स मैं सबसे पहले मे बी इट्स इम्प्रैक्टिकल टू एक्सपीरियंस कनेक्ट योर सेल्फ विद अल्लाह सुबहान तला जो आपका डिवाइन कनेक्शन अल्लाह से डेवलप होता है और फिर जो आप मांगते हैं अल्लाह से आ, कुछ स्टोरीज़ हमने सुनी है आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी बट लेकिन हमने काफ़ी स्टोरीज़ सुनी है कि जिन लोगों ने बच्चों के लिए अपनी तहज्जुद पढ़ी है ना उनके बच्चों में एक बहुत रेडिकल डिफरेंस आया और मैं ये यहाँ पर कह सकती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट टीचर मीटिंग लेती हूँ ना फ़रियाल यानी हमना तो मैं टीचर एज ए टीचर जो है ना सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि स्टार्ट ऑफरिंग तहाज फॉर ये सवाल नहीं करते कि आप बच्चे के लिए कुछ के ना, आप नहीं नहीं बता रहे कुछ नहीं बता रही हैं आप <laughs> लेकिन दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड तो आप इवन बच्चों के लिए दूसरों के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगी કે મેં યે કરતી હું ઓર ઓર મેને ઇસકે ઇફેક્ટ્સ દેખે હે નો ડાઉટ મતલબ तहज्जुદ મે તો અલ્લાહ તઆલા કે કબૂલિયત کا દર અલહ ખુદ હી ફરમાતે હે ના કે મે નીચે આ જাতা હું પહેલે આસમાન પે ઓર આપ જો માંગે વો ઇન્શા અલ્લાહ તઆલા અલ્લાહ તઆલા કબૂલ કરેંગે તો યે سبસે પહેલે મેરા પોઈન્ટ હોગા કે અપને આપ પે રિલાય કરને સે પહેલે અલ્લાહ સુબહાન તઆલા પે રિલાય કરે ક્યોકી ઉસીને ઉઝ હમે બનાયા હે બચ્ચે કો બનાયા હે અલ્લાહ સે બેહતર સોલ્યુશન આપકો કોઈ સજેસ્ટ નહીં કર સકતા एट द सेम टाइम हमें बिल्कुल जो है ना वो दुनियावी इसबाब भी करने हैं हम ऐसे जो है वो आ, दुआ का रूल है ये बिल्कुल यू हैव टू वर्क फॉर इट बिल्कुल उसके लिए जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है गैरी चैपमैन की ऑल जो है ये फाइव लैंग्वेज ऑफ लव बट ये कि मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ये पढ़ें और उसको अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें देर आर बेसिकली फाइव लैंग्वेजेस जो वो कहते हैं कि एक बंदा जो है उसे अपनी अगर लव लैंग्वेज पता चल जाए और दूसरे को उसकी लव लैंग्वेज पता चल जाए तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ना आपका बन सकता है जैसे आप किसी बच्चे को कोई भी एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दें दे, उसकी तारीफ कर दें आप अब आप खुद रियलाइज करें कि आपके कौन से बच्चे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड दैट फॉर योर सेल्फरी Uh, usually ये यूजुअली ये सबको ही चाहिए होते हैं आई बिलीव लेकिन जो आपकी मेजर लव लैंग्वेज होती है ना इससे आपको पता चल जाता है कि आपको अपने बच्चे से कैसे कनेक्ट करना है yeah. और फिर एक आता है गिविंग गिफ्ट किसी बच्चे को ना छोटे छोटे आपके लव नोट्स अच्छे लगते हैं आपने कोई छोटी सी पेंसिल ले दे दी या उसकी पसंद की कोई चीज़ लेके दे दी उसने कुछ किया तो वो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा तीसरा जो है ना एक्ट्स ऑफ सर्विस अच्छा एक्ट्स ऑफ सर्विस हमें आप लोग शायद इस बात से रिलेट कर सकें कि हमारी अम्मियाँ बड़ी बड़ी जबरदस्त हैं एक्ट ऑफ सर्विस में कि वो हर एक की जो है ना बेलॉस खदमत करती हैं कि चाहे बच्चे हों चाहे घर वाले हों तो समा जो है ना बच्चे चाहते हैं कि अम्मी मेरी पसंद का खाना बना दें बस उनके लिए वही ईद का दिन हो जाता है कि आज अम्मी ने मेरी बात सुन ली मेरी बात रख ली आज ये खाना बना दिया इसी तरह जो है क्वालिटी टाइम अब वही वाली बात जैसे हमने की थी कि क्वालिटी टाइम क्या है ये आपको पता करना है कि आर यू रेडी टू लिसन टू योर चाइल्ड या फिर आप अपना ही दर्द शुरू कर रहे हैं कि देखो बेटा जिंदगी में ऐसा करना ऐसा करना क्वालिटी टाइम आपका वो होना चाहिए जहाँ आप कंप्लीटली बच्चे को ये फ्रीडम दे रहे हैं दैट आप मेरे पास आ सकते हैं एंड यू कैन शेयर एवरी थिंग एवरी थिंग और जो लास्ट लव लैंग्वेज है ना इंटरेस्टिंग दैट इज़ फिजिकल टच

तो ये हमें अंडरस्टैंड और वाकई जो दुरिया करी थी वो थिंकिंग वाकई मेरे बच्चों की अलग है लव लैंग्वेज hmm. एक है उसको वाकई हग्स एंड किसिस चाहिए बस आएंगे किसी कर दें तो ये वाकई भी नहीं तो आई नेवर थॉट इट दैट वे

टेल दे उन्हें बताएं कि हम कितने प्राउड हैं हम कितने खुश हैं कि वो हमारी औलाद हैं अगर हम ये सिर्फ उन्हें कम्युनिकेट कर दें देट वी आर प्राउड ऑफ यू तो आई थिंक दैट इज इनाफ फॉरना हमेशा इस बात पर पॉन्डर करती हूँ प्लेस

और आ, हम रियलाइज नहीं करते हमें हाँ

स्टार्ट टेकिंग पेरेंटिंग सेशन वाट इस द हार्म कुछ लोग दिल बिलीव इंक्लूडिंग माई हजबेंड के पेरेंटिंग कम्स नैचुरली अल्लाह तला ने पेरेंटिंग का स्टेटस दे दिया स्टेटस तो हम पेरेंट बन गए और सब कुछ आ गया इट्स नॉट लाइक दैट जब हम दुनिया में हर चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो हम अपनी सबसे प्यारी ने मैं तो औलाद के लिए क्यों नहीं थोड़े से कर सकते बिल्कुल इस नोट पर मैं कहना चाहूँगी कि दुरिया आपने तो मेरी आज आँखें ही खोल दी और यकीन आपकी बहुत ब्यूटीफुल थैंक यू लेकिन यकीनन आप लोगों की भी आंखें खुली होंगी और आंखें खोलने का पहला स्टेप यही है कि आप एक्सेप्ट करें कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो उस वक्त ये सब चीज़ें कैरी करके नहीं आता डेफ़िनेटली उसकी इन्वायरमेंट और आपका पेरेंटिंग स्टाइल उसमें ये चीज़ें इन्फ्लिक्ट करता है सो आई फ़ील आप लोगों ने भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा दुनिया की टिप्स से हमारी डिस्कशन से कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना है और कंपैरिजन तो छोड़ ही दें देखिए मैं और आप भी मेरी भी नाक डिफरेंट है आपकी नाक डिफरेंट है तो ये तो बात हंड्रेड एंड टेन परसेंट है कि हम लोग सेम है ही नहीं जब मैं और मेरे बच्चे सेम नहीं हैं तो दो बच्चे भी आपस में सेम नहीं हैं रियलाइज दिस एक्सेप्ट दिस एंड वर्क ऑन इट एंड देर इज़ नो हार्म इन लर्निंग आप अकले को नहीं है थैंक यू फॉर वॉचिंग आर एपिसोड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मोमकाज की तरफ से टिल देन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह